हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल कला तल्लीन। सो आज की इस वीडियो में हम वाटर कैंडल बनाने वाले हैं विद द हेल्प ऑफ होम साइंस। उसके लिए हमें चाहिए मार्बल, ग्लिटर, यू कैन यूज कैंडल विक्स और कॉटन विक, सेलो टेप एंड वन प्लास्टिक शीट, वाटर एंड वेजिटेबल ऑयल, ग्लास बाउल एंड ग्लासेस। चलो तो फिर स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर हमें एक प्लास्टिक शीट लेनी है जिसे हम सर्कल में कट कर लेंगे। सर्कल कट करते समय एक ध्यान रखना है कि सर्कल जो है वो अपने ग्लास और बाउल के साइज से थोड़ा छोटा होना चाहिए। फिर सर्कल के बीच में हमें एक होल तैयार करना है ताकि हम कैंडल विक को इसमें डाल सकें। अब हम कैंडल विक को होल में से पास करेंगे। सेलो टेप की मदद से कैंडल विक को दूसरे साइड से फिक्स कर लेंगे ताकि ये अपनी जगह से हिले नहीं। यहाँ पर मैंने कुछ कैंडल विक्स को तैयार करके रखा है। यहाँ पर मैंने 3 ग्लासेस लिए हैं। सबसे पहले हम इसमें पानी डालेंगे। एक ध्यान रखना है कि ग्लास पूरी तरह से पानी से ना भरे। यहाँ पर हम अब मार्बल्स डालेंगे। फिर इसमें हम फूड कलर्स ऐड करेंगे। आप कोई भी फूड कलर यूज कर सकते हैं। यहाँ पर मैंने ग्रीन एंड ऑरेंज कलर यूज किया है। अब हम इसमें वेजिटेबल ऑयल ऐड करेंगे। आप लैम्प ऑयल भी यूज कर सकते हैं। ध्यान में रखें कि जितना ऑयल हम इसमें डालेंगे उतनी देर तक हमारी कैंडल जलेगी। अब धीरे से कैंडल विक को इसमें हम रखेंगे। अब यहाँ पर मैंने बाउल्स लिए हैं। बाउल्स को भी हम सेम जैसे हमने ग्लासेस में पानी भरा था उस तरह से भर लेंगे। अब हम इसमें ऑयल डालेंगे। यहाँ पर मैंने ग्लिटर एज अ डेकोरेटिव मटेरियल यूज किया है। आप कोई भी डेकोरेटिव मटेरियल यहाँ पर यूज कर सकते हैं जो भी इजीली वाटर के ऊपर फ्लोट हो सके। फिर हम इसमें ऑयल डालेंगे एंड कैंडल विक्स को रख देंगे। कैंडल जलाने से पहले कैंडल विक ने ऑयल एब्जॉर्ब किया है या नहीं ये चेक करें। अगर नहीं तो थोड़ी देर रुके, उसके बाद ही कैंडल जलाएं। आप कोई भी डेकोरेटिव मटेरियल एज अ डेकोरेशन के लिए यूज कर सकते हैं। यहाँ पर मैंने बटरफ्लाईज यूज किया है। जलने के बाद ये कैंडल्स बहुत ही खूबसूरत लगते हैं। दिवाली में इन कैंडल के साथ आप अपने घर को बहुत ही अच्छे तरह से सजा सकते हैं।
अगर आपको ये DIY पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करो, और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है देन सब्सक्राइब माई चैनल एंड बेल आइकॉन को प्रेस करना मत भूलिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।